अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत जी, मुझे वालेकुम हदीस से सलाम रिलेटेड कुछ वरहमतुल्लाह। पूछना था। जी पूछिए। वो मेरा ये क्वेश्चन है कि जईफ हदीस को और कवी हदीस को, मतलब थोड़ा फर्क डिफरेंस क्यों रखा जाता है इसके बीच? मतलब हदीस तो हदीस है ना, जईफ हो या कवी हो, दोनों वैल्यूबल समझना चाहिए दोनों को, क्योंकि दोनों ही नबी की बातें हैं तो दोनों ही वैल्यूबल हुई। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस क्यों रखा जाता है? देखिए, असल बात यह है ना कि ये जो आपके अंदर आपके दिल में जो शुबा आ रहा है, उसकी वजह ये कि हदीस की डिफिनेशन आपको नहीं पता कि हदीस की डिफिनेशन क्या है। हदीस की डिफिनेशन अलग है और सही हदीस की डिफिनेशन अलग है। हदीस की डिफिनेशन क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अरबी में हम उसको कहते हैं मा उजीफा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कौलिन औ फेलिन औ वस्फिन औ तकरीरिन। ये अरबी में हम इसको बोलते हैं। शुरू के अल्फाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मा उजीफा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस चीज की निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दी गई हो, चाहे वो कौल हो चाहे वो फे कौल यानी बात, फेल हो यानी कोई काम हो, या वस्फ हो यानी कोई खूबी है, कोई सिफत है, या तकरीर यानी कोई मुशाहिदा है, तो इन चारों में से किसी की निस्बत अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दी गई तो उस चीज को हदीस कहते हैं। तो हदीस की डिफिनेशन में क्या है, मा उजीफा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी निस्बत नबी की तरफ की गई, जिसको हदीस कहते हैं, चाहे ये निस्बत सही हो या गलत हो। हदीस की डिफिनेशन में ये नहीं है कि नबी के कौल को हदीस कहते हैं, वो तो सही हदीस होगी ना, वो तो सही हदीस को बोलते हैं, नबी का कौल, नबी का फेल, नबी की तकरीर, उसको सही हदीस बोलते हैं। लेकिन जब हम हदीस बोलते हैं तो हदीस में सही ज़ई वो सब आ जाते हैं, यानी चाहे नबी की बात हो वो भी हदीस है, और जो नबी की बात नहीं है, किसी और की बात है लेकिन नबी की तरफ मंसूब कर दी गई, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जोड़ दिया गया, चाहे झूठ ही जोड़ा गया हो, उसका नाम भी हदीस है। ये नाम हमने नहीं रखे, ये नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे। चुनांचे सुनन नबी दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नज़र अल्लाह इमरन समिया मिन्ना हदीसन, कि अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताजा रखे जो हमसे कोई हदीस सुने फिर आगे उसको फॉरवर्ड करे, उसको याद करे फिर आगे उसको जैसे सुना वैसे सुनाए। तो इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को हदीस का नाम क्या दिया, हदीस। लेकिन सही मुस्लिम वगैरह की और बहुत सारी कुतुब हदीस में हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरवा अन्नी हदीस, मरवा अन्नी हदीस यरा अन्नहु कज़ी फहुवा अहदुल काज़िबीन, कि जो मेरे हवाले से मेरी निस्बत से मेरा नाम लेके कोई हदीस बयान करे और उसे पता हो कि वो झूठी है। देखिए, झूठी बात को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस का नाम दे रहे हैं, उसे पता हो कि झूठी है तो वो भी झूठों में से झूठा है। तो आप जरा गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को भी हदीस कहा है, और जो बात नबी की नहीं झूठ है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठ बोला गया है हमारे नबी ने, उसे भी हदीस कहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दोनों हदीसों को सामने रखते हुए, बल्कि सही मुस्लिम की बड़ी मशहूर हदीस ना कि एक जमाना आएगा दज्जालूना कज्जाबूना, दज्जाल कज्जाब पैदा होंगे, तुम्हें वो हदीसें सुनाएंगे, लम तस्मो अंतुम ला अबाकुम, ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा ना तुमने सुना होगा, तुम्हें हदीसें सुनाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों को भी हदीस का नाम दिया है, और जो बातें हमारे नबी की नहीं है, किसी और ने बनाई है, जाली है, डुप्लीकेट है, बनावटी है और नबी की तरफ मंसूब कर दी गई, उनका नाम भी हदीस रखा है। तो इन रवायात से क्या पता चलता है कि हदीस की डिफिनेशन हमारे सामने आती है कि जिस चीज को भी नबी की तरफ मंसूब कर दिया गया उसका नाम हदीस है, चाहे वो साबित हो, चाहे साबित ना हो, चाहे सच्ची हो, चाहे झूठी हो। तो जब इन तमाम बातों को जो नबी से जोड़ी गई है, चाहे ये जोड़ना सही हो चाहे गलत हो, उनका नाम हदीस है, तो हमें ये चेक करना होगा कि वो जो नबी की तरफ निस्बत है वो सच्ची है या झूठी है। अगर सच्ची निस्बत है, साबित हो जाता है तो हम उसको कबूल करेंगे, और निस्बत साबित नहीं होती है तो लफ्ज हदीस की वजह से हम उसको नहीं मान लेंगे। मैं इसको मिसाल दे के मैं बात खत्म करता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे करेंसी ना, मुल्क की करेंसी नोट है, हम हिंदुस्तान में ये नोट है जिसमें वो गांधी की तस्वीर होती है, बहुत सारी चीज नंबर होती है, बहुत सारी चीज होती है, जो सरकारी नोट है, इस नोट को हम क्या बोलते हैं, उसका नाम नोट है ना, नोट, करेंसी नोट। लेकिन अगर कोई आदमी जाली नोट बनाए, डुप्लीकेट छाप दे, नकली नोट, उसका क्या नाम है, उसका नाम पेपर है या बुक है या रसीद है, क्या नाम देते हैं उसको, उसका नाम भी नोट ही रहते हैं, उसका नाम भी नोट होता है, क्योंकि वो कॉपी है, यानी ओरिजिनल की कॉपी करने की कोशिश की गई है, हालांकि वो झूठी है, उसमें जो दावा है ना, जो मोहर लगी है, जो तस्वीर लगी है, पूरा कॉपी है, डुप्लीकेट है वो, लेकिन फिर भी उसका नाम नोट है, हम उसको रसीद नहीं बोलते। अभी नहीं कहेंगे यार ये तो डुप्लीकेट, इसको इसको नोट क्यों बोलते, इसको रसीद बोल दो,
इसको बुक बोल दो, इसको पेपर बोल दो, इसको नहीं नहीं उसका नाम भी नोट है। तो हम क्या कहते हैं असली, जब ऐसे तो हम दोनों को नोट बोलते हैं, लेकिन जब चलान मार्केट में चलाना होगा तो हम असली नोट, हम उसको चेक करेंगे असली है या नकली है। असली नोट है तो हम कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नकली नोट है रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ उसमें गांधी छपनी को ऐसा नहीं ले लेंगे उसको, या उसकी निस्बत है सरकार की तरफ या नंबर उम्बर है, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसे हदीस का मसला है, अगर हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है तो हम चेक करेंगे कि ये निस्बत सही है कि नहीं, असली है कि नहीं, असली है तो एक्सेप्ट करेंगे हदीस को। लेकिन अगर वो कॉपी की गई है, यानी मतलब अपनी बात है, किसी की झूठी बात है और मंसूब कर दिया गया, मंसूब कर दिया, ओरिजिनल नबी की बात नहीं है लेकिन नबी का नाम वहां डाल दिया गया, लिख दिया गया झूठ, हम उसको रिजेक्ट करेंगे, हम उसे कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, बात खत्म करते हुए एक लास्ट चीज आपको कहूँ, आपने ज़ईफ का कहा, तो देखिए हदीस के कई दर्जात होते हैं उसको चेक करने के, उसके यानी वो गैर मकबूल है यानी सही साबित नहीं है तो कई दर्जे की होती है। कुछ हदीसें ऐसी होती हैं कि एक आम आदमी, छोटा मोटा आलिम भी पता लगा सकता है कि ये ज़ईफ है और उसको रिजेक्ट कर देगा, या मनगढ़ंत है, झूठी है, उसको रिजेक्ट कर देगा। अब कुछ को पता लगाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी बड़े बड़े उलमा की राय लेनी पड़ती है, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता ना कि बड़े से बड़ा आलिम उसको, यानी जो जो फन का माहिर है वो बोल देता है कि ये हदीस से सही नहीं है, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाता है, फिर भी उसको रिजेक्ट किया जाता है। यही सेम मामला नोट में भी होता है, कुछ नोट ऐसी है ना कि एक बच्चा भी मामूली अकल वाला वो बोल देगा ये नकली है, जैसे चॉकलेट में आती ना नोट, चॉकलेट जो बच्चे खाते हैं उसमें नोट आती है, वो कोई भी देख के बोल देगा यार ये तो डुप्लीकेट है, ये तो नोट है ही नहीं, बच्चे खेलते हैं उससे, बड़ा आसान है। लेकिन कुछ नोट ऐसी है ना, ऐसी कॉपी की जाती है, तो ये दुकानदार बोल लो, जो दुकानदार है ना वो समझ पाते हैं कि यार नकली है। तो अगर दुकान पे आप गए ना और किसी ने कह दिया कि यार थोड़ा शक है, तो आप उसको सिर्फ शक की वजह से नहीं कहेंगे लो लो लो, अगर दुकानदार ने सिर्फ शक जाहिर कर दिया तो रिटर्न कर देगा, नहीं कबूल करेगा। और कुछ नोट तो ऐसी है ना दुकानदार भी नहीं पता लगा पाता, वो बैंक वाले पता लगाते हैं, आप बैंक में जाओगे वो कन्फर्म करेंगे कि ये नकली है, यानी उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो बैंक वाला जाके उसको पकड़ पाता है कि ये नकली है, उसके लिए उससे ऊंची यानी दुकानदारों से ज्यादा महारत की जरूरत पड़ती है। और कभी कभी तो बैंक वाला भी कंफ्यूज हो जाता है, यानी वो भी नहीं समझ पाता है, ऐसे इस तरह से कॉपी करते हैं। तो इसी तरह से हदीस का मामला है कि हदीस में भी जो निस्बत की जाती है वो कभी बहुत ही हल्की फुल्की निस्बत होती है, आम आदमी पता लगा देता है, कभी इतने अच्छे से उसकी सनद डिजाइन की जाती है, उसके साथ चैन जोड़ा जाता है कि एक आदमी चकरा के रह जाता है और जल्दी से समझ नहीं पाता है। तो खुलासा ये है कि जैसे मैंने मिसाल दी ना नोट की, मिसाल असली नोट हो या नकली नोट हो उसको नोट नाम देते हैं क्योंकि निस्बत की गई है असली की तरफ, ऐसे हदीस चाहे वो सच्ची हदीस हो चाहे झूठी हदीस हो दोनों का नाम हदीस होता है, क्योंकि नबी की तरफ निस्बत की गई इसलिए हम उसको हदीस बोलते हैं। तो अगर निस्बत सही होगी तब हम हदीस लेंगे, जैसे नोट असली होगी तब हम लेंगे, और ऐसे ही हदीस अगर साबित नहीं है, असली नहीं है, तो हम उसको नहीं लेंगे, जैसे नोट असली नहीं होती है तो हम उसको नहीं लेते हैं। रही बात तहकीक की, रिसर्च की, तो अगर माहिरीन ने सवाल उठा दिया कि ये हदीस ज़ईफ है तो हम खुद जाके हमको तहकीक करने की जरूरत है, हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे। जैसे नोट के ताल्लुक से बैंक वालों ने सवाल उठा दिया कि ये नहीं चलेगी तो हम उसे उठा के फेंक देते हैं, हम नहीं जाते नहीं नहीं तुम साबित करो, प्रूफ करो, ये करो, झगड़ा नहीं करते। किसी दुकानदार ने कह दिया नकली है, वो बाजू वाला नहीं लेगा, तुम लाख झगड़ा करो, अरे क्या सबूत है, वो कोई दलील नहीं दे रहा है, लेकिन नकली की बात आ गई ना, हल्का सा इशारा कर दिया आप नहीं लेंगे, ऐसे हदीस का मामला मेरे भाई। अगर हदीस के बारे में कोई फॉल्ट निकल गया, वो असली साबित नहीं हुई, असली साबित नहीं हुई हदीस, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये वजह है कि हम हदीस को सही ज़ईफ में तकसीम करते हैं, सही लेते हैं, ज़ईफ नहीं लेते हैं। बस शुरू की बात को फिर दोहराता हूँ, हदीस की जो डेफिनेशन आपके जहन में उसको करेक्ट कीजिए। आपके जहन में क्या डेफिनेशन है कि हर हदीस नबी की बात होती है, वाकई अगर ऐसा होता ना कि हर हदीस नबी की बात हो तो उसे ज़ईफ कहने का सवाल ही नहीं, उसे रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं। तो हदीस की डेफिनेशन है ही नहीं कि नबी की बात ही हदीस होती है, अरे जो बात नबी की नहीं हो वो भी हदीस होती है, ये हम नहीं कह रहे, हमारे नबी ने कहा मन रवा अन्नी भी हदीस यारा अन्नहु कज़िब, जो मेरे हवाले से हदीस बयान करे उसे पता हो झूठी वो भी झूठा है। तो अगर जो नबी के हवाले से भी बयान की जा रही झूठी है हम उसको नहीं मानेंगे। तो हदीस की जो डेफिनेशन है ना उसको ठीक कीजिए, इंशाल्लाह सारा जो इश्काल है आपका वो खत्म हो जाएगा। जी बहुत बेहतरीन माशाल्लाह आंसर था आपका, अल्लाह जज़ाए खैर, अलहमदुलिल्लाह।